क्वेश्चन नंबर 4 है, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में हमें अंतर स्पष्ट करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको ध्यान में रखिए, और अगर आप चाहते हैं पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन खोल सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आंसर में, अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है, ये तीनों दोनों बात हम जान सकते हैं। तो यह निम्न श्रेणी के अकशेरुकी यानी वाकशेरुकी सहित साधारण संरचना वाले पादप में होता है, वही लैंगिक जनन सभी जंतुओं और उच्च पादप में होता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यह हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, बल्कि लैंगिक जनन यह प्राय बाइपेरेंटल होता है। अलैंगिक जनन यह हमेशा युग्मक का निर्माण नहीं होता इसमें, और लैंगिक जनन में इसमें हमेशा युग्मक बनता है। अलैंगिक जनन में इसमें निषेचन नहीं होता है, और जबकि लैंगिक जनन में इसमें निषेचन होता है। ये मुख्य अंतर है अलैंगिक और लैंगिक जनन, आप इसे ध्यान में रखिएगा।